आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप सबका स्वागत है और हमारे कांग्रेस के जितने भी भाई यहाँ पर हैं मौजूद उन सब का भी। आपसे मैं पहले हिंदी में बात करूँगी और हम उसे समराइज करेंगे इंग्लिश में। तो जो हम आपसे बात करना चाहते हैं उसको हमने इस दो लाइन में उसका पूरा सार निहित है। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये जो एक ऐसा लाइन नहीं है कि केवल एक सेंसेशन लाने के लिए हो, हम आपको प्रमाण के साथ 8 उदाहरण देंगे और वो 8 उदाहरण कुछ तो आपको अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा है और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके लिए आपको हम आपकी मेमोरी को थोड़ा सा टच करेंगे और आपको याद आएगा। तो पहले उदाहरण पर चलते हैं। पहला उदाहरण जिससे पूरा देश हिल गया था जून के आखिरी में, उदयपुर में कन्हैया लाल जी का बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ और वो मर्डर जिसने किया वो दो हत्यारों में से एक रियाज अट्टारी, वो भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा सदस्य था। उसने बीजेपी की सदस्यता बीजेपी के राजस्थान के नेताओं के उपस्थिति में ली थी और इतना ही नहीं, बीजेपी के पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया के दामाद अतुल चंडालिया के फैक्ट्री में वो काम करता था। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आपको दें, जम्मू कश्मीर में आप सभी ने सुना है थोड़े दिन पहले गांव वालों ने दो आतंकवादियों को तब पकड़ा जब वो अमरनाथ की पवित्र यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के ऊपर जानलेवा हमले की साजिश कर रहे थे और इनमें से एक आतंकवादी तालिब हुसैन शाह भारतीय जनता पार्टी के जम्मू प्रोविंस का सोशल मीडिया का माइनॉरिटी सेल का इंचार्ज था। ये व्यक्ति वहां के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना उनके साथ उसके कई फोटोग्राफ्स हैं, आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे। कुछ फोटोग्राफ्स में तो केवल ये व्यक्ति अकेले, तालिब हुसैन शाह और रविंद्र रैना ये दो ही लोग हैं और ऐसा लगता है बहुत अच्छे माहौल में दोनों बातचीत कर रहे थे तभी फोटो लिया गया है। और तो और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी उसका फोटो पीछे खड़े हुए है, यानी कि ये बहुत खतरे की बात लगती है कि हमारे गृह मंत्री के पीछे एक आतंकवादी खड़ा है। और आजकल बीजेपी के जम्मू के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो पत्रकार की हैसियत से आता था, तो ये आपके सोचने की बात है कि अगर पत्रकार की हैसियत से आता था तो जैसे आप सभी भाई मेरे सामने बैठे हैं उसको सामने होना चाहिए था। जो अमित शाह जी के पीछे बैठेगा तो वो तो उनकी टीम का सदस्य है। तो ये हुआ दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, बहुत दिन नहीं हुए हैं, अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या हुई, आप सभी को मालूम है इसके बारे में। जी, तो उमेश कोल्हे की जिसने हत्या का मास्टरमाइंड इरफान खान, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के साथ इसके संबंध हैं और इसने उनके लिए पार्टी के लिए प्रचार किया है। और नवनीत राणा जी और रवि राणा जी के बीजेपी के क्या संबंध है ये आप सबने देखा है थोड़े दिन पहले। चौथा एक उदाहरण है जो आपको बताना है, वो भी जम्मू कश्मीर से आता है। ये व्यक्ति तारिक अहमद मीर, पूर्व सरपंच भाजपा का, और ये कब पकड़ा गया था, जब पूर्व डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों को लेकर आ रहा था और इस मीर तनवीर अहमद मीर के ऊपर, ये तारिक अहमद मीर के ऊपर ये इल्ज़ाम है एनआईए ने लगाया था कि उसके नवेद बाबू से संबंध है जो हिजबुल का आतंकी है और इसको तारिक अहमद मीर आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई करता था। तो ये है चौथा उदाहरण जो बीजेपी का कनेक्ट है, बीजेपी का पूर्व सरपंच है।
पांचवा और छठवां उदाहरण जो है वो मेरे होम स्टेट मध्य प्रदेश से है। और 2017 में एंटी टेरर स्क्वाड ने 11 सस्पेक्ट को पकड़ा था जो एक इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे, और वो 11 लोगों में एक ध्रुव सक्सेना बीजेपी की आईटी सेल का था और उसके वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ फोटोग्राफ्स हैं। ये सारे जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये सब इंटरनेट पर आपके लिए उपलब्ध है। पांचवा उदाहरण जो आपको देंगे वो है बलराम सिंह का, जो बजरंग दल का एक नेता था। ये 2019 के मई में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब इसे पकड़ा गया था। इसका नाम टेरर फंडिंग के लिए था, ये अभी भी जेल में है। सातवां उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और इलेक्टेड मेंबर निरंजन होजाई का है, जो असम में बीजेपी में इलेक्टेड सदस्य थे और इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट फंड आतंकवादियों को डाइवर्ट किया था, और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इतने सारे संयोग नहीं हो सकते। एक और उदाहरण आपको दे दें, बीजेपी ने एक स्थापित आतंकवादी जो कि आतंकवादी था उसको श्रीनगर के वार्ड क्रमांक 33 से अक्टूबर 2018 में अपना उम्मीदवार बनाया था जनरल बॉडी इलेक्शंस के समय। उसका नाम है सैफुल्ला खान या मोहम्मद फारूक खान। तो ये काफ़ी विवाद में ये बात आई थी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है ये इतने सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा अपने आप को राष्ट्रवादी बताने की कोशिश करती है, उस पार्टी के साथ इस तरह की बातें होना बहुत साफ हमको दिखाता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में वो सचेत नहीं है। कांग्रेस कभी ऐसी राजनीति करती नहीं, कभी आतंकवाद के ऊपर बात करके ऐसी राजनीति नहीं करती, लेकिन ये एक के बाद एक 8 घटनाएं जो आपको बोली और इसके बाद आपको याद दिला दें। फरवरी 2019 में पुलवामा, एक ऐसी जगह जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वहां, 300 किलो आरडीएक्स का पाया जाना और वो गाड़ी का निकल के आ जाना, एक ऐसी घटना है जिसकी आज तक पूरी तरह ठीक से जांच नहीं हुई, इसका कोई जवाब नहीं है। और थोड़ा पहले चलते हैं, 1999 में IC-814 आप सभी को याद है, जब मसूद अजहर को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया था और क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में 2001 के दिसंबर में हमला किया गया जिसके पीछे भी मसूद अजहर का हाथ था। तो हमने आपके सामने ये सारी बातें रखी हैं, इन सारी बातों के तथ्य आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बस ये कहना है आपसे, हमारी ये अपील है कि एक जो छद्म राष्ट्रवाद का चोगा पहन के बीजेपी देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इसके बारे में सोचिए, खुद जागरूक होइए और लोगों को भी जागरूक करिए। क्योंकि जो पार्टी ये कहती है कि ये संयोग है या प्रयोग, तो आप खुद सोचिए कि ये संयोग है या प्रयोग, और इससे हमारे देश की सॉवरेनिटी को खतरा है। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टेटमेंट एंड आई वुड वेरी ब्रीफली समराइज दिस इन इंग्लिश। कांग्रेस नेवर प्लेज अ पॉलिटिक्स ऑन टेररिज्म, बट देर आर सो मैनी इंस्टांसेस विच हैज कंपेल्ड अस to bring forward to the people of India and to the media that BJP has been consistently involved with the terrorists or people who commit such crimes. I will explain my statement with 8 examples. Some of them are very recent. Everybody remembers the very brutal murder of Kanhaiya Lal in Udaipur. This has shaken up the entire country. The murderer, one of the murderers, Riaz Attari, was a former BJP member.
ही हैज़ टेकन द फॉर्मल मेंबरशिप इन प्रेजेंस ऑफ मेनी लीडर्स ऑफ राजस्थान. नॉट ओनली दैट, ही वॉज वर्किंग इन अ फैक्ट्री विच इज़ ओन्ड बाय मिस्टर अतुल चांडलिया, हु इज़ एन एक्स कॉरपोरेटर एज वेल एज सन इन लॉ ऑफ एक्स मिनिस्टर गुलाबचंद कटारिया ऑफ राजस्थान. This second example is of Talib Hussain Shah, who was caught. The villagers have caught him in Jammu and Kashmir while they were conspiring to attack the Amarnath pilgrims. This person is again a formal member of Jammu Kashmir BJP. He was the social media in charge of minority cell in Jammu province, and this assignment was given to him in May 2022 by Mr. Ravindra Raina. Now he is saying that that person used to come as a journalist to us. Most surprisingly, this person's photograph is there with Mr. Amit Shah, our Union Home Minister. And if he was a journalist, he should have been in front like you people are. He was seen in the rear row, diagonally opposite Mr. Amit Shah, which is a very alarming thing. The third example is Amravati chemist Mr. Umesh Kolhe, who was murdered by some people, and the mastermind Irfan Khan was very much connected to the independent MP Navneet Rana and her husband Ravi Rana. We all know what is the connection of Ravi Rana and Navneet Rana with BJP. Irfan Khan has been doing canvassing for Navneet Rana. The fourth example is Tariq Ahmed Mir, a very glaring example. He is the same person who was caught along with ex-DSP Devinder Singh, who was carrying certain militants along with him. And NIA has said that Tariq Ahmed Mir was also involved with the supply of arm and ammunition to Naveed Babu, who is a Hizbul terrorist. This investigation was stopped all of a sudden. Nobody knows why. If Devinder Singh case investigation would have gone ahead, then the country would have known what was actually conspiring. The fifth example comes from Madhya Pradesh, my home state, wherein one Dhruv Saxena along with 11 suspects was caught. This person was working in BJP IT cell. They have installed an illegal telephone exchange for spying for ISI. Dhruv Saxena's many photographs are in circulation with the Chief Minister of Madhya Pradesh. Another one is Balram Singh of Bajrang Dal, very well connected to Bharatiya Janata Party of Madhya Pradesh. He was caught in Satna in May 2019. And he was charged with terror funding. He's still in jail. He was caught during Congress regime in Madhya Pradesh. Another example is Mr. Niranjan Ojai, an elected member in Assam, BJP member. Special cell of NIA have given him lifetime imprisonment because of terror funding worth 1,000 crore of government fund were diverted to these terror outfits by him. BJP has also given tickets to the very established ex-terrorist Saifullah Khan, aka Muhammad Farooq Khan, in 2018 elections, general body elections from ward number 33 of Srinagar. So these are the examples, eight examples which I have given, which we have given you. Besides, we also have a statement to make that Pulwama, a place wherein despite very tight security, 300 kg of RDX could come and the blast could take place. That is also was subjected to investigation, and the investigations did not happen properly, and we do not know how all that happened. Wanted to shake up your memory a bit about
IC 814, wherein the BJP government has released the terrorist Masood Azhar. Subsequently, he was the mastermind of attack on our parliament and other, including Pulwama. So we have put across all these examples in front of you. These cannot be so many, there cannot be so many coincidences, and I want you to ponder over that as to how, in the garb of nationalism, BJP is very casually playing around with our national security and sovereignty. I have finished. We would like to take questions. Any question? Anybody having any question? Suo motu question. You are welcome. सम्मेलनी को अस्तिवा गणमाध्यम समस्त बंधु मान प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ धन्यवाद विशेष भाव विंग कमांडर अनुमा आचार्य एआईसीसी प्रवक्ता अति सुंदर भाव तथ्य प्रमाण सहित से जो कथा प्रमाणित कले जे भाजपा किभली भाव राष्ट्रवाद छद्म कुर्ता और सलवार पहनती ये आतंकवाद खेल चली जहाँकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रति एवं सबुठ बड़ विपद देखा ये कौन भाजपा नेता कौन उग्रवादी बा कौन रेडेड क्रिमिनाल सेल्फी को आधार करके प्रदेश कांग्रेस बा जातीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमिटी ये पत्रकार सम्मेलन कर ना एकदम पुख्ता तथ्य प्रमाण सहित आम आपण मानक सामना रखिल जे देश एभली एक संकट भितर जाऊँ तेणु देश को जागृत करने आपण मानक भूमिका अच्छी तो गणमाध्यम ये घटना को प्रांजल भाव जनसाधारण पाखे पहुँचवार आवश्यकता अच्छी आप बहुत बहुत धन्यवाद सहित विंग कमांडर हनुमा आचार्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग प्रमुख श्रीजुक्त गणेश्वर बेहरा महोदय मोर सहयोगी बंधु अम्य पांडव महोदय सहयोगी अभिषेक महानंदा सोशल मीडिया हेड वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिन्मय भाई समस्त को मुझे धन्यवाद दूची नमस्कार थैंक यू।